नमस्कार साथियों, बागवानी में जो स्क्वायर लेआउट होता है, जहां पौधे से पौधे की दूरी एक समान होती है और कतार से कतार की दूरी एक समान होती है, ऐसी स्थिति में हमारे खेत में हम किस तरह से प्लांटेशन करें, किस तरह से मार्किंग करें कि हम जहां से भी उस कतार को देखें वो कतार हमको सीधी दिखे। और उसी के ऊपर आज का ये वीडियो है कि आप जब अपने पौधे अपने खेत में लगाएं, जब अपने बागवानी का अगर आप विस्तार करने जा रहे हैं, तो उस केस में किस तरह से खेत में लेआउट होना चाहिए, किस तरह से खेत में मार्किंग होनी चाहिए ताकि हर कतार आपको सीधी दिखे। तो आज के इस वीडियो में हम आज डिटेल में 3-4-5 जो मेथड है उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। तो ये वीडियो आप अंत तक ज़रूर देखें। मैं संकल्प शर्मा, विदिशा मध्य प्रदेश से, नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग मेडिसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, कॉमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथियों, अभी जिस प्लॉट में हम खड़े हैं, यहाँ हम अमरूद का प्लांटेशन करने जा रहे हैं। और ये अगर आप थोड़ा सा कैमरा अगर आप उस तरफ दिखाएं, ये पूरा उतना जो एरिया आपको आखिरी तक जो पेड़ दिख रहे हैं, ये पूरा हमारा करीब 2.5 एकड़ का ये प्लॉट है, 2 से लेकर 2.5 एकड़ का। इसमें हमको ये अमरूद लगाने हैं। अब समस्या ये आती है कि हम किस तरह से इसमें मार्केशन करें, प्लांटिंग करें, ताकि स्क्वायर मेथड में हर जगह से अगर आप देखें तो आपकी कतार आपको सीधी रखे। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह के वीडियोस भी मैंने कई यूट्यूब पे देखे हैं और मैं चाह रहा था कि किसान साथियों के लिए एक सरल भाषा में ये वीडियो लेके आऊं ताकि जो भी इस वीडियो को देखे वो आसानी से अपने खेत में मार्किंग कर सके। आपको सबसे पहले क्या करना है, एक रेफरेंस पॉइंट चूज करना है। ये हमने एक पहला मार्किंग यहाँ किया था और ये मार्किंग आपको कैसे करना है, देखिए आइडियली जो हमारे पौधे हैं नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में लगने चाहिए। तो मैंने कंपास में उत्तर और जो दक्षिण दिशा है उसको देखा और जहां वो जीरो वाला मार्क आ रहा है वहां पे मैंने ये वाला जो बांस है वो लगाया है। अब इस मार्क से हमको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना है, त्रिकोण बनाना है 90 डिग्री का। उसके लिए आपको क्या करना है, ये एक आपका पहला एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। वहां पे मेरे जो साथी वहां खड़े हैं आप देख रहे हैं, मेरे यहां से वो अगर आप थोड़ा सा बांस टच करके दिखाएं राहुल, वो जिस बांस को वो टच कर रहे हैं और मेरा जो यहाँ जो बांस है आप देख रहे हैं, वहां से वहां तक की दूरी ये है 30 फीट। तो पहला बांस आपको यहां लगाना है, दूसरा आपने वहां लगा दिया। अब आपको क्या करना है, ये सामने मेरे जो है इस पॉइंट पे हमने एक और बांस लगाया है, ये वाला जो बांस है मैं जहां पहले खड़ा था वहां से यहां तक की जो दूरी है ये है 40 फीट। पहला था 30 फीट, फिर 40 फीट, और अब आप देखिए यहां मैं खड़ा हूं और फिर से मेरे जो साथी वहां खड़े हैं, ये डायगोनली जो लाइन है वो जो उंगली रखे यहां से लेके 50 फीट आनी चाहिए। तो सुनने में तो बड़ा आसान लग रहा है कि हमने पहले 40 लिया, फिर हमने 40, पहले हमने 30 फीट लिया, फिर 40 लिया, फिर 50 लिया। लेकिन होगा क्या, जब आप इस तरह की मार्किंग करेंगे तो पहली बार में एग्जैक्ट मार्किंग आपको नहीं मिलेगी। तो जो पहला रेफरेंस पॉइंट आपने चूज किया उसको आपको बिल्कुल नहीं हिलाना है। वहां से जब आप यहाँ 40 फीट नापेंगे, हो सकता है ये 40 फीट आपको यहाँ भी मिल जाएगा, ये 40 फीट आपको यहाँ भी मिलेगा, ये 40 फीट आपको यहाँ भी मिलेगा, क्योंकि ये पूरी स्ट्रेट लाइन में आपको कहीं से भी 40 फीट मिल जाएगा। लेकिन जब आप यहाँ से मेरे साथी जो वहाँ खड़े हैं वहाँ तक अगर आप देखेंगे तो 50 फीट की जगह हो सकता है 52 फीट हो जाए, हो सकता है कि 51 फीट हो जाए। तो हमने कई ट्रायल और एरर करने के बाद ये 3 पॉइंट्स हमने निकाले हैं। मैं आपको एक छोटा सा और उदाहरण दूंगा, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया पड़ रहा है लेकिन तरीका यही रहेगा। अब क्या है कि हमारा खेत आप देख रहे हैं वो पीछे मेरे जो दिख रहा है आपको फाइलर ऑर्चर्ड है, तो हमारा जो आखिरी अमरूद लगेगा रेड डायमंड वो हम वहां लगाएंगे। अब वहां से वहां तक हमको स्ट्रेट लाइन चाहिए और इतना लंबा मार्किंग संभव नहीं था, तो हमने इसको टुकड़ों टुकड़ों में किया। पहला रेफरेंस पॉइंट मैंने आपको शुरुआत में वीडियो में दिखाया था, लेकिन अब जब यहां से हम वहां जाएंगे तो यहां जहां मैं खड़ा हूं ये हमारा सेकेंड रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा। और अगर आप राहुल यहां आए तो ये वाला जो पॉइंट आपको यहां दिख रहा है, मैं आपको यहां दिखा देता हूं,
ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से फिर से उस पॉइंट से लेके यहाँ तक की दूरी 30 फीट है, और यहाँ हमने एक फिर से एक बांस लगाया है। तो ये वाला जो आपको मार्किंग दिख रही है, ये अगेन वहाँ से इस टैंक 50 फीट है और वहाँ से यहाँ 40 फीट है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, दो बेसलाइन आपको चुननी है, एक इस डायरेक्शन में और एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब हम जब पौधे प्लांटेशन करेंगे तो हमको एक ये स्ट्रेट लाइन मिल गई है, एक हमको रेफरेंस पॉइंट मिल गया है। तो यहाँ हम 10-10 फीट पे हमारे अमरूद लगाते जाएंगे। वो वाली जो लाइन थी वहाँ हम 10-10 फीट पे अमरूद लगाएंगे, और दो रेफरेंस पॉइंट के बाद हमको कुछ नहीं करना है। यहाँ से वहाँ एक और रस्सी लेके हमको 10-10 फीट पे एक और मार्किंग हमको करनी है, और हम आसानी से 10-10 फीट पे पौधे लगाते जाएंगे। पौधे हम कैसे लगा रहे हैं उसका भी मैं आपको एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा कि किस तरह से आपको पौधे लगाने हैं, जिस तरह से हमने मार्किंग की है उसका, उस मार्किंग पे आपको कैसे पौधे लगाने हैं। अगर ये वीडियो आपको अभी भी क्लियर नहीं है तो छोटा सा उदाहरण मैं आपको यह देना चाहूँगा। ये थोड़ा सा एरिया बड़ा था, अगर आपको सरल भाषा में समझाऊँ 3-4-5 फीट मेथड क्या होता है, तो ये एक सिंपल सा उदाहरण मैं आपको यहाँ देना चाहूँगा। साथियों यहाँ मैं एक छोटी से हिस्से में आपको ये समझाने वाला हूँ। आपको याद होगा वीडियो में शुरुआत में जो मैंने पहला रेफरेंस पॉइंट बताया था, मान लीजिए वो रेफरेंस पॉइंट ये है, और मेरे साथी यहाँ दूर खड़े थे, वहाँ हमने 30 फीट लिया था, यहाँ हम 3 फीट ले रहे हैं। तो आप ये देखिए यहाँ से वहाँ हमने 3 फीट लिया है। अब मेरे साथी उस तरफ जाएंगे पहले रेफरेंस पॉइंट तक, और यहाँ हमने इसको 4 फीट लिया है, और अब मेरे साथी उस वाले पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और यहाँ से हमको 5 फीट चाहिए। अब क्या था, जब हमने पहले मार्किंग की थी तो ये जो पॉइंट था हमने यहाँ लिया था, तो जब हमने यहाँ लिया तो ये 5 फीट नहीं आ रहा था। आप देखिए ये 5 फीट से करीब 3 इंच कम आ रहा था, तो इसलिए क्योंकि इस पॉइंट को फिर हमने यहाँ किया तो आसानी से 5 फीट आ गया। इस पॉइंट पर पहले हमने जो मार्किंग की थी, यहाँ देखिए अब 4 फीट आ रहा था इस वाले पॉइंट पे, यहाँ जो मेरी उंगली है, लेकिन वो डायगोनली 5 फीट नहीं आ रहा था, इसलिए हमने इस लकड़ी को यहाँ किया, और बराबरी से ये 3-4-5 जो मेथड हम बोलते हैं, 4 फीट यहाँ 3 फीट वहाँ और डायगोनली 5 फीट, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको मिल जाता है। तो आपका एक बेस लाइन आपका तैयार हो जाता है, और अब ये जो लाइन हमको मिल गई है वहाँ से लेके वहाँ तक, यहाँ हम एक सीधी रस्सी लगाएंगे और हमारा जो प्लांटेशन है वो हम शुरू करेंगे। प्लांटेशन कैसे करना है, कैसे पौधे लगाने हैं, बागवानी का जो विस्तार हमारे नर्मदा प्राकृतिक फार्म पर होने जा रहा है, उसका एक एक वीडियो आप तक मैं लेके आऊँगा। तो हमारे चैनल पर इसी तरीके से बने रहें, प्राकृतिक खेती के बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।